मैं ले जा रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ कि गंदा है, देखने में भी लग रहा है, जीत हो रहा है, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति और धर्म में आस्था होने के नाते इसको ले जाएगा, इसका पूजा भी किया जाएगा या जो जो भी इसका काम आएगा सब किया जाएगा, आचमन भी करेंगे, आचमन भी करेंगे। हमारी सरकार है विगत बहुत वर्षों से, बहुत दिनों से हमारी माँ गंगा को साफ दे, आम जन मजबूर है। हमारा हिंदू धर्म है, हम भारतवासी भिन्न भिन्न संस्कृतियों भिन्न भिन्न धर्मों से बंधे हुए हैं और हम इन सरकारों से जब हार जाते हैं तो हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, सरकारों से हम हार जाते हैं। इस पर तो मेन तो हम लोग की आस्था से जुड़ी हुई प्रश्न है। अब यहाँ की नगर पालिका ही नहीं यहाँ पे सफाई करा रही है तो क्या किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे इतने बड़े नाले से पानी यहाँ गिराया जा रहा है जो शहर के बीचों बीच है, और हम लोग को भाई अब पूजा करना है और अपने आस्था को थोड़ा सा समझते हुए यहाँ को पानी का यूज तो किया ही जा सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि पानी को कम से कम साफ रखने की कुछ भी कोशिश किया जा सकता है। एनजीटी की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह सिगरेट के डिब्बों पर सावधानी के संदेश लिखे गए हैं, उसी प्रकार गंगा का जल जब इतना प्रदूषित है कि उसका उसको पिया नहीं जा सकता, उसका जल प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो क्यों ना इसके 100 मीटर के दायरे में बोर्ड लगाकर जनता को अवेयर करने के लिए संदेश लगाया जाए। ऐसे में कांवर यात्रा शुरू हो रही है, श्रद्धा से सराबोर जनता श्रद्धालु गंगा के जल का सेवन कर रहे हैं, आचमन भी कर रहे हैं। एक तरीके से कह लें कि शिव भक्त हलाहल उसका पान भी कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इस बारे में बात की कुछ लोगों से तो उनका ये कहना था कि गंगा उनके आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, सरकार अपनी खामियां छिपा रही है, कोर्ट के आदेशों के बाद भी गंगा की सफाई नहीं हो पा रही है, वो मजबूर है, वो अपनी आस्था को नहीं छोड़ सकते। गाजीपुर से उज्जवल राय ईटीवी के लिए।